भारतीय किसान संघ की अहम बैठक भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष होशियार सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरिराम विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में भारतीय किसान संघ विकास खंड नूरपुर इंदौरा नगरोटा सूर्या व फतेहपुर के किसानों ने भाग लिया। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष होशियार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बजट में किसानों के लिए 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को वार्षिक 6,000 रुपए देने के निर्णय का स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खनन माफिया वन माफिया व नशा माफिया बहुत सक्रिय है, इसकी तुरंत रोकथाम की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में बेसहारा पशुओं के लिए गौ सदन का निर्माण किया जाए ताकि किसानों की फसल बचाई जा सके। होशियार सिंह ने कहा कि किसानों की भूमि को सिंचाई की व्यवस्था की जाए ताकि किसान कृषि के कार्य में रुचि ले और किसानों के बच्चे भी कृषि क्षेत्र में रुचि ले सकें। जंगली जानवर से भी किसानों की फसलों को बचाया जा सके। इस क्षेत्र में फल उत्पादन बहुत होता है परंतु किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। होशियार सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए बजट में की गई घोषणा का वे स्वागत करते हैं अतः किसान संघ क्षेत्र में इन योजनाओं को किसानों तक अतः किसान संघ क्षेत्र में इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएगी। हमने जिला कांगड़ा को 3 विभागों में बांटा है भारतीय किसान संघ की दृष्टि से कार्य करने के लिए। आज निचले विभाग की नूरपुर फतेहपुर इंदौरा और सूर्या नगरोटा की बैठक की जिसमें प्रमुख कार्यकर्ताओं को जहां बुलाया गया था वो सभी उपस्थित हुए हैं। संगठन के काम की दृष्टि से कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे हर गाँव तक किसान संघ का कार्य पहुँचे, उस पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ संगठन के कार्य को करते करते जो किसानों के अंदर समस्या हैं और इस एरिया में जैसे सबसे बड़ी समस्या नशा माफिया सक्रिय है, खनन माफिया सक्रिय है, वन माफिया सक्रिय है, उन सब पर विषयों पर भी विस्तार से बातचीत चर्चा हुई है। हम आपके माध्यम से भारतीय किसान संघ इन सभी विषयों पर प्रशासन और सरकार का ध्यान लाना चाहती है और उसके साथ साथ जैसे बेसहारा पशु हैं उनकी गौ सदनों के लिए, जंगली जानवर हैं उनकी कोई उचित व्यवस्था की जाए ताकि किसान जो आज जो किसान खेती छोड़ रहा है, युवा खेती से भाग रहा है, वो दोबारा उस खेती की तरफ आए, इस पर भी चर्चा हुई है। ताकि जो आज देश और प्रदेश के अंदर खेती जो बड़ी बुरी तरह से इन सभी समस्याओं से प्रभावित हो रही है वो आगे के लिए ना हो, क्योंकि खेती किसान करेगा और किसान जब अपने खेत में उपज तैयार करेगा तभी ये प्रदेश और देश बच सकता है। और उसके सब के लिए हमने सारी विषयों पर चर्चा की है और कैसे इस कार्यों को, ये जो माफिया राज है इनके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जा सके। संगठन इसके लिए भी बड़ा गंभीर और चिंतित है और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार ने बजट किसानों के हित में कुछ बातें किसान संघ के पॉइंट बिंदु दिए थे जो उनके ऊपर कुछ काफ़ी कुछ किसानों को दिया है, इसी तरह प्रदेश सरकार ने भी। हम आशा करते हैं कि जो जो बजट के अंदर प्रावधान कृषि क्षेत्र में किया है वो संबंधित विभाग सभी प्रशासन इसमें मिलकर ताकि हर किसान तक वो व्यवस्था पहुंचे वो तो करेंगे। भारतीय किसान संघ ने भी यह निर्णय लिया है आज कि हर गांव में किसान तक जो सरकार का जो बजट है, जो जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है उसके भी हम प्रचार प्रसार करेंगे। और आपके माध्यम से सबसे बड़ी समस्या जो किसानों को आती है वो है सिंचाई की। सरकार केंद्र सरकार ने भी काफ़ी बड़ा बजट इसमें प्रावधान किया है पूरे देश के लिए, तो प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी बड़ा बजट रखा है, तो वो भी हमारी आज मांग है कि इस बजट को किसानों के इस एरियों को जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, जो हमारा खड्डों नालों में पानी ऐसे बह के जा रहा है और उसके पास में किसान का खेत सूख रहा है, उसकी व्यवस्था भी चेक डैमों के माध्यम से तटीकरण करके खड्डों का या जैसे भी उठाऊ सिंचाई योजना जितनी भी हाफ गई हैं खनन माफिया की बदौलत, उनके ऊपर भी गंभीरता से सरकार और प्रशासन कार्य करे। ये आज हम सभी किसानों ने मिल करके और आपके माध्यम से हमारी ये
मांग है सरकार से और प्रशासन के भी इस पर किसानों को जगह जगह संगोष्ठियां लगा करके उनको जागरूक किया जाए। संगठन तो करेगा लेकिन सरकार के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार जो है नीचे तक पहुंचे, हर गरीब से गरीब छोटे से छोटे किसान तक ये बात पहुंचे, ताकि उसको जो सरकार देने जा रही है वो उसको भी उस किसान को लाभ मिल सके।